सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल जे आर ट्रेडर्स में। सो बच्चों, कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हाँ, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आई होप आपको ये आपके लिए जो नया साल हो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, आपकी मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाओ, ठीक है। तो इसी नए साल के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेसन हमारे बायोलॉजी का, जिसका क्या नाम है, दैट इज एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी हमारे 10 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। आपकी एग्जाम भी बहुत ज्यादा पास आ रही होगी, तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी स्टडीज है, वो बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, फोर्थ गियर पर चल रही होंगी, ठीक है। तो आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 11th लेसन, जिसका क्या नाम है, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। देखो बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लेसन है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा लेसन है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें आपके बुक्स में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि भैया ये वैरायटीज हैं, ये क्रॉप्स हैं, नई नई चीजें बनी हैं, आप लोग को वही एज इट इज चीजें लर्न करनी है, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वही चीजें एज इट इज आपको अपने दिमाग में लर्न कर लेनी है, समझ में आ रही इतनी बात। तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जैसी जरूरत नहीं है इस लेसन से, ठीक है। छोटो सा लेसन से अराउंड 2 लेक्चर्स में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करिए लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेआर ट्रेडर्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, अगर आपको नहीं पता है तो जाओ प्ले स्टोर पे सर्च करो जेआर ट्रेडर्स का एप्लीकेशन, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, जाके उसे डाउनलोड कर लेना। 12-13 MB की एप्लीकेशन होंगी और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, जिसमें आपको आगे फ्यूचर में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें देखने मिलेंगी, बहुत सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे, नए नए वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे, अभी तो क्विजेज भी चालू हो गए उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको क्विज अटेंड करना है तो जाओ फटाक से वहां पे क्विज अटेंड करो और उसको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे साथ कोई बातें करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं इस इंस्टाग्राम आईडी पर, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, मेरे पूरे सेशन पढ़ते थ्रू कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि सर ये क्या है, साथ ही अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली आके मुझसे बात करते हैं, कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो आओ चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आ जाओ चालू करते। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेसन का नाम क्या है। देखो लेसन का नाम देखो, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड प्रोडक्शन मतलब क्या, कि हमारे देश में जो भी चीजें, जो भी अनाज उगाए जाते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, ठीक है, उसका प्रोडक्शन, एनहेंसमेंट मतलब क्या, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना। अब ये क्यों बढ़ाना है, देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था हमारा देश, अराउंड 1947 में, ठीक है, 1947 में आजाद हुआ था। तो 1947 से लेके 1960 तक हमारे देश की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। हमारे जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने बिल्कुल भी एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया हुआ था, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा जो कंडीशन थी वो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी हमारे देशवासियों के लिए, मतलब उनको खाने के लिए खाना तक नहीं मिलता था, समझ में आ रही बात। तो उस फूड प्रोडक्शन को, ठीक है, उस फूड प्रोडक्शन को हम लोग साइंस की हेल्प से कैसे इनहेंस कर सकते हैं, वही हम लोग को इस लेसन में देखना है। तो अब फूड कितने प्रकार के होते हैं, या तो फूड एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे एनिमल्स उनको खा लेते हैं, मीट खा लेते हैं हम लोग, एग खा लेते हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हम कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ कुछ प्लांट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। मेनली दो ही तरह के फूड होते हैं, या तो आप प्लांट्स को कंज्यूम करो या तो आप किसी एनिमल्स को कंज्यूम करो, सही बात है। तो मेनली अगर मैं बात करूं फूड प्रोडक्शन की, तो हम लोग दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, दैट इज प्लांट्स, एक प्लांट्स के प्रोडक्शन पे और एक एनिमल्स के प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्शन हम लोग कैसे बेहतर बना सके, तो प्लांट्स में हम लोग क्या क्या बेहतर बनाएंगे, जैसे सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स हो गए, वीट हो गए, राइसेस हो गए, वो सारे किसके अंदर आएंगे, सीरियल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रूट्स के अंदर आएंगे, ठीक है, फ्रूट्स हम लोग किसके, फ्रूट्स का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, फ्रूट्स का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स पे किसके अंदर आएंगे, प्लांट के अंदर ही आएंगे। तो इन सब का, ठीक है, इन सब का हम लोग डेवलपमेंट कैसे ज्यादा करें, ठीक है, वही हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, या तो मैं मीट कंटेंट बढ़ा सकता हूं, ठीक है, मीट कंटेंट बढ़ा सकता हूं साइंस की हेल्प से विद, उसके बाद हम लोग मिल्क, ठीक है, एनिमल्स का प्रोडक्ट क्या है, मिल्क, जैसे हम बहुत सारे बफेलोज होती है, बहुत सारे जो ये होते हैं काउज होती है, उनसे हमको क्या मिलता है, मिल्क्स मिलता है, ठीक है, मिल्क मिलता है। तो इसका भी हम लोग इन्हेंसमेंट कैसे करें, मतलब हम लोग कैसे उसी गाय से, ठीक है, उसी गाय से हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। आपको एक बात बताओ, एक फैक्ट बताओ आप लोग को, कि इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी कैटल्स है उसका 70% कैटल, ठीक है, जितने भी कैटल्स है उसका 70% कैटल इंडिया और चाइना के पास है, ठीक है, इंडिया और चाइना के पास दुनिया का 70% कैटल है, मतलब जितने भी गाय हैं, जितने भी भैंसे हैं, ठीक है, भैंस बोल सकते हैं, बफेलोस, तो वो सारे के सारे 70% कहां पे है, टोटल इंडिया और चाइना में।
ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता होगा, इतना ज्यादा, इतने ज्यादा बफेलोज, इतने ज्यादा ये है काउज है, तो हमारे पास प्रोडक्शन भी ज्यादा होता होगा? नहीं, हम दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 25% प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ कितना प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज 25%। तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, ये बहुत ही बुरी बात है। तो इसका एनहेंसमेंट हम लोग कैसे करें, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके फूड का एनहेंसमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एग, ठीक है, एग खाते हैं लोग बहुत सारे, तो एग का कैसे एनहेंसमेंट करें, कैसे उन चीजों को ज्यादा करें, जैसे कैसे प्रोडक्टिव करें, फिर हनीज के बारे में, फिशेज के बारे में, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, एनिमल्स के अंदर। समझ में आ रही बात? तो इन सबका, ठीक है, इन सबका एनहेंसमेंट कैसे किया जाए, कोई तो हल ढूंढा जाए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम जगह में भी। अब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आप 1947 की बात करो, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 300 मिलियन थी, ठीक है, कितनी, 300 मिलियन। लेकिन आज की बात करोगे तो आज अराउंड 1.3 या फिर 1.4 बिलियन हो चुकी है। समझ में आ रही बात? मतलब अराउंड 4 to 5 times बढ़ चुकी है हमारी पॉपुलेशन। समझ में आ रही बात? तो इतने, अब देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ा है, लेकिन क्या हमारे लैंड स्पेस बढ़ा है, हमारा एरिया बढ़ा है लैंड का? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उतने ही लैंड में पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब हर पॉपुलेशन को, जितने भी लोग हैं उन्हें खाना चाहिए, तो अब मुझे उसी लैंड पे, ठीक है, उतने ही ज्यादा जमीन पे मुझे प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो हम कैसे साइंस की हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। आपको अगर प्लांट को ब्रीड करवाना है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, देखो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है राइस का, ठीक है, राइस का कोई एक प्लांट है जिसका इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, तो आप क्या करो, इस राइस के प्लांट को किसी दूसरे राइस के प्लांट से क्या करो, हाइब्रिड करवाओ, ठीक है, किसी दूसरे राइस के प्लांट से क्या करो, हाइब्रिड करवाओ। अब आगे चल के जब इसकी प्रोजनी बनेगी, ठीक है, इसके जो बच्चे बनेंगे, वो जो बच्चों को अगर आप उगाओगे, ठीक है, तो उससे जो राइस का प्लांट बनेगा ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, देखो अगर आपको मैं बोल दूं कि बच्चों चलो एक नया प्लांट ब्रीड बना के दिखाओ, एक नया ब्रीड बना के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे यार? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी प्लांट का आपको ब्रीड बनाना है, ठीक है, जिस भी प्लांट का आपको ब्रीड बनाना है, उसके जितने भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे के सारे आप ले लोगे, ठीक है, जितने भी स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप उसको ले लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को राइस का बनाना है, ठीक है, तो मैंने राइस के फॉर एग्जाम्पल 10 स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है, मैं 10 तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 4 बनाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतने स्पीशीज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो जितने भी स्पीशीज है उसको क्या कर लो, आप ले लो, ठीक है। अब देखो आपको कैसा नीड है, कैसे जगह पे आपको किस टाइप का प्लांट उगाना है, वो भी आपको देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो प्लांट है, ठीक है, ये जो बीच वाला सेकंड नंबर का प्लांट है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, मतलब इसको जल्दी बीमारी नहीं होती, ठीक है, तो आप ये वाला प्लांट ले लोगे, ठीक है। और ये वाला जो प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, इसमें प्रोडक्शन बढ़िया आता है, ठीक है, मस्त प्रोड्यूस करके देता है, तो ये प्रोडक्शन बढ़िया देगा, ये डिजीज रेजिस्टेंस देगा, तो इससे आगे चल के एक हाइब्रिड प्लांट बन जाएगा, ठीक है, इससे जो हाइब्रिड प्लांट बनेगा, ठीक है, इससे जो हाइब्रिड प्लांट बनेगा, उस प्लांट के अंदर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उसका वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। समझ में आ रही बात? तो आप ऐसा प्लांट आगे चल के बना सकते हो। तो वही यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब देखो डायरेक्टली इस प्लांट के बहुत सारे प्रोजनी होंगे, बहुत सारे प्रोजनी होंगे, उस एक प्रोजनी में से कोई एक सुपीरियर प्रोजनी आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। सबको उगा के देख लो, हाँ भाई ये वाला ज्यादा उग रहा है, मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा है और इसकी जो हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनिटी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये वाला क्या है, सुपीरियर क्वालिटी है। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, नया ब्रीड फॉर्म कर सकते हैं। समझ रही है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, उस पॉइंट्स को जरा रीड करो। पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। ठीक है, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि जो भी आपको प्लांट का हाइब्रिड बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जितने भी वेरिएबिलिटीज है, वेरिएबिलिटीज मतलब क्या, उसकी जितनी भी स्पीशीज आज तक एग्जिस्ट करती है, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका काम क्या है, दैट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लांट को सिलेक्ट करना, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि ये वाला जो प्लांट क्या था, ये मेरे ये इम्यूनिटी ज्यादा थी ना इसकी और इसकी प्रोडक्शन ज्यादा थी, तो ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड प्लांट। ठीक है, जो भी आपने प्लांट सिलेक्ट किया है उस प्लांट का क्या कर दो, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताऊंगा मैं, तो दो मिनट रुक जाओ, अभी इतना समझा, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमॉन्ग द सिलेक्टेड प्लांट्स, मतलब जो भी आपने प्लांट सिलेक्ट किया है उसका क्या कर दो, हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन। जैसे मैंने क्या बोला कि यहां पे मेरे को 4 प्रोजेनी मिले, इन दोनों को
हाइब्रिड करवाने के बाद मेरे को चार ये मिले, प्रोजेनी मिले, चार बेबी मिले, ठीक है। अब इसमें से कौन सी सुपीरियर क्वालिटी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, चारों को एक जगह पे उगा दूंगा, ठीक है, चारों क्या कर दूंगा, एक जगह पे उगा दूंगा। अब उसमें से मुझे जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है और ज्यादा जो डिजीज रेजिस्टेंट है वही क्या होगी मेरे लिए, सुपीरियर क्वालिटी होगी। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन, हम लोग सिलेक्ट करो उसको और उसको टेस्ट करो कि सच में वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, मतलब आप उसे टेस्ट कर लिए, ठीक है, फिर उसको क्या कर लो, पब्लिक के लिए कमर्शियलाइज कर दो, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी वो स्पीशीज क्या कर दो, कमर्शियलाइज कर दो, कि नॉर्मल लोग भी उस स्पीशीज के सीड्स को खरीद सके और उसे अपने यहां पे उगा सके, समझ में आ रही बात। जिससे क्या होगा कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो प्लांट्स है जिसपे डिजीज लग जाते थे, बीमारियां लग जाते थे, उनकी इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, समझा इतना, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट है, ठीक है, ये पांच पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। अब देखो मेरे को एक बात बताना कि आप लोगों को हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी अराउंड लगभग थर्ड वाले लेसन में पढ़ाया था, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन, सुना है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को ही हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। देखो कैसे करोगे, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एक आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, कोई प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर क्या उग रहा है, एक फ्लावर उग रहा है, ठीक है, क्या उग रहा है यहां पे, एक फ्लावर उग रहा है, ठीक है। इस फ्लावर में क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सही बात है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी है, मतलब अगर आपको खुद से हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, आप चाहते हो कि ये वाला प्लांट इसी प्लांट के साथ हाइब्रिड करे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना कि यहाँ पे बड़े साइज के प्लांट थे, तो आप चाहते हो कि ये वाला प्लांट सिर्फ इसी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन करे, तो आप ये कैसे करोगे। देखो सबसे पहली बात कि इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने का भी चांस बनता है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट साथ में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो मेल पार्ट है ना इसको कट करोगे, ठीक है, इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब क्या, कि जितने भी मेल पार्ट थे उस फ्लावर के, ठीक है, मेल पार्ट थे उस फ्लावर के, उसको आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक बैग लगा दोगे, ठीक है, यहां से एक बैग लगा दो, समझ रही है बात, ठीक है, यहां से क्या लगा दो, बैग लगा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना वो हवा में उड़ते रहते हैं हर जगह से, ठीक है, यहां से कोई पोलन ग्रेन उड़ गया, यहां पे पोलन ग्रेन उड़ गया है। अब क्या पता आप लोग को, अब देखो आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो बंद करवा दी, लेकिन क्या पता कोई दूसरा पोलन ग्रेन यहां से उड़ते 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 आता और इसके ऊपर क्या करता, फर्टिलाइज कर देता, इसको पॉलिनेट कर देता, समझ में आ रही बात। तो आपका मनचाहा पॉलिनेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको बैग लगा देना और वेट करना है कि कब ये जो हमारा फ्लावर है वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही आपका फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, फटाक से क्या करना है, आपको इस बैग को हटाना है, ठीक है, इस बैग को हटाना है, जाना है इस वाले फ्लावर में, ठीक है, इस वाले फ्लावर में, ओके, मैंने इसको हटा दिया, आपको जाना है इस वाले फ्लावर में, ठीक है, और आपको क्या निकालना है यहां से, इसका मेल पार्ट दैट इज पोलन ग्रेन, ठीक है, क्या होता है मेल पार्ट, दैट इज पोलन ग्रेन, और उसको उठाना है, ठीक है, उसको उठाना है और आर्टिफिशियली इसके ऊपर क्या कर देना है, डाल देना है। जैसे आपने पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाला, वापस क्या लगा दो, यहाँ पे एक बैग लगा दो, समझ में आ रही, ताकि कोई दूसरा पॉलिनेशन ना हो सके। क्या पता कोई दूसरा पॉलिनेशन हो और वो पॉलिनेशन जो दूसरा पोलन ग्रेन है वो फटाक से फर्टिलाइज कर दे, आपका पोलन ग्रेन फर्टिलाइज ही नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको क्या कर देना है, इसको वापस बैग लगा देना है। जो पहली बार आपने बैग लगाया था उसको हम लोग कहते हैं बैगिंग, ठीक है, और वापस आपने जो बैग लगाया इसको हम लोग बोलते हैं रीबैगिंग, समझ में आ रही बात, सिंपल सा है, बैगिंग और रीबैगिंग। सबसे पहले क्या था, इमैस्कुलेशन। तो ये नॉर्मल सा फंडा था, जैसे आप क्या करोगे इसके ऊपर पोलन ग्रेन लगा दोगे, यहां से फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, और उस सीड को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज हाइब्रिड सीड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज हाइब्रिड सीड। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, तो समझ में आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सिलेक्टेड प्लांट, जो भी आपने प्लांट सिलेक्ट किया उसके बीच में क्या करा दो, हाइब्रिडाइजेशन करा दो, समझा, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन भी आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कि क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो 1947 में, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, तब से लेकर 1947 से लेकर 1960 में, ठीक है, 1960s तक हमारा जो कंडीशन था, ठीक है, हमारे देश का जो कंडीशन था वो बहुत ही ज्यादा खराब था, मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता था खाने के लिए, इतना ज्यादा कम प्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने
मेनली ध्यान ही नहीं दिया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो इस टाइम तक, ठीक है, इस टाइम तक हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास एरियाज थे, लेकिन हम उन एरियाज पे हमारा प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें वो हमें नहीं पता था। समझ में आ रही बात? ठीक है, वो हमें ज्यादातर नहीं पता था। तो इसके बाद यहां से कुछ साइंटिस्ट है, देखो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है, और भी उन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब उनकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे वैरायटीज की, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज की, उसका हाइब्रिड ये वैरायटी बनाई, ठीक है, बहुत सारे इंडियन वैरायटीज की उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड वैरायटी बनाई, और उन वैरायटीज को लाके क्या कर दिया, इंडिया में उगा दिया, ठीक है। अब उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई वैरायटी थी उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं था, तो उस वैरायटी को क्या किया, दूसरे बाहर की किसी वैरायटी के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने के बाद, ठीक है, क्रॉस करवाने के बाद बड़े सारे, मतलब उसका उस जो वहां पे जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी 5 स्टेप वाली, तो वही सेम प्रोसेस उन्होंने भी अप्लाई किया, और वहां से अच्छे अच्छे मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी वाले ब्रीड्स थे, जो सुपीरियर क्वालिटी वाले सीड्स थे, वो उनको क्या हो गए, मिल गए। अब वही सीड्स को उन्होंने क्या किया, इंडिया में जर्मिनेट करवा दिया, जिसकी वजह से उतने ही लैंड स्केल पे, ठीक है, उतने ही लैंड स्केल पे प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रही बात? और कितना बढ़ गया ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे, अच्छा यहां पे देखो, ठीक है, वीट का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो वीट में पहले, ठीक है, 1960s तक 1 मिलियन वीट, ठीक है, 1 मिलियन केजी वीट निकलता था हमारे देश से, लेकिन अराउंड 2000s तक, ठीक है, ये नंबर बढ़ के कितना हो गया, 75 मिलियन, मतलब 75% तक, ठीक है, 75-74% तक हमको क्या देखने मिली, ग्रोथ देखने मिली। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जनरली दे इंप्रूव्ड द सेमी ड्रॉप वैरायटी, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सेमी ड्रॉप वैरायटी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। इंप्रूव कैसे करते हैं, बाय हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सा मेथड मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, समझा, ठीक है, इतना फंडा क्लियर है। ओके, तो आ जाओ देख लेते हैं वीट में क्या क्या किया था उन्होंने। देखो सबसे पहले अगर मैं वीट की बात करूं, तो वीट में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, दैट इज नॉर्मन बोरलुगे, ठीक है, दैट इज उनका नाम क्या था, नॉर्मन बोरलुगे। वो कहां गए थे, वो गए थे मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में क्या है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, ठीक है, वहां पे क्या है, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। वहां पे उन्होंने क्या किया, अपने इंडियन स्पीशीज को, ठीक है, इंडियन स्पीशीज को किसी दूसरे स्पीशीज के क्या करवा दिया, मेट करवा दिया, ठीक है, उनके पास कोई वीट का कोई स्पीशीज होगा, ठीक है, उसको वहां पे किसी दूसरे स्पीशीज के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, और क्रॉस करने के बाद उनको 2 स्पीशीज मिली, ठीक है, उनको क्या मिली, 2 नई स्पीशीज उन्होंने बनाई। कौन कौन सी स्पीशीज है, दैट इज सोनालिका, ठीक है, याद रखो इंडियन की, इंडियन गर्ल लड़कियों के नाम जैसा है ना, ठीक है, तो सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है, सोनालिका और कल्याण सोना, दोनों सोना से रिलेटेड है, ठीक है, और वीट का कलर भी थोड़ा सा ये येलोइश टाइप होता है, तो इसे याद रख लो, ठीक है, कि अपना जो ये है वीट है, ठीक है, वो हल्के से क्या है, येल्लो कलर वाले, तो क्या है, एक है सोनालिका, ठीक है, सोने जैसा, और एक है दैट इज कल्याण सोना, ठीक है, ये 2 नई स्पीशीज हमारे कंट्री में वीट की खोजी गई। उसके बाद फूड का प्रोडक्शन, यानी वीट का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, देखो ये लेसन ऐसा ही है, ये जो लेसन है ना, इसमें सिर्फ आपको बताया जाएगा कि हमारे कंट्री में ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज बढ़ गई, तो ये जनरली फैक्ट वाला लेसन है, ठीक है, जनरली इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, आपको फैक्ट्स में बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें आपको अपने दिमाग में लिखनी रखनी है, आपको बुक में उसको लिख लेना है, सही बात है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आपके बुक में नोट डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, समझा इतना। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं हमारे राइस के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, राइस के ऊपर क्या किया गया था, देखो 2 वैरायटीज थी, दैट इज IR8, ठीक है, IR8 फिलीपींस की वैरायटी थी, देखो कहां से मिला था ये, ध्यान दो, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पे क्या मिला था हम लोग को, फिलीपींस की वैरायटी थी, कहां की थी ये, ये इंस्टीट्यूट कहां का है, जनरली फिलीपींस का है, और ये वैरायटी भी फिलीपींस की है। उसके बाद दूसरी एक वैरायटी थी, ठीक है, जिसका क्या नाम क्या था, ताइजुंग नेटिव आई, ये कहां की वैरायटी थी, इट इज वैरायटी ऑफ टर्की, ठीक है, ये कहां की वैरायटी थी, टर्की की वैरायटी थी। तो 2 वैरायटी मिलाई हम लोग ने, एक IR8, ठीक है, और एक था दैट इज ताइजुंग नेटिव 1, इन दोनों को मिलाने के बाद हमको 2 न्यू वैरायटीज देखने मिली, ठीक है, 2 न्यू वैरायटीज हम लोग को राइस की देखने मिली, दैट इज जया और रत्ना, ठीक है, दैट इज जया और रत्ना, ये 2 वैरायटीज हमारे इंडिया में क्या कही गई, फिर उगाई गई, और उसके बाद हमारा जो हमारे कंट्री में जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो हम लोग बात करेंगे शुगर केन की, ठीक है, शुगर केन की देखो 2 वैरायटीज एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में, जनरली एक एग्जिस्ट करती है हमारे नॉर्थ साइड में
और एक एग्जिस्ट करती है हमारे साउथ साइड में। तो नॉर्थ में कौन सी वैरायटी एग्जिस्ट करती है, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, नॉर्थ में कौन सी एग्जिस्ट करती है, दैट इज स्वचारुम बारबेरी। ठीक है, स्वचारुम बारबेरी ये कहां एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ में एग्जिस्ट करती है। और इसके जो स्टेम होते हैं ना बहुत ही पतले पतले होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज थिन स्टेम। और थिन स्टेम होने की वजह से इनके अंदर का जो शुगर कंटेंट है, ठीक है, वो भी बहुत ही क्या होता है, लेस। ठीक है, शुगर कंटेंट, यहां पे एक वर्ड डाल देना, दैट इज कंटेंट। ठीक है, तो इनका इनका जो स्टेम का स्टेम का साइज है, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, थिन होता है। साथ ही साथ इनका जो शुगर का कंटेंट है वो भी क्या होता है, लेस होता है। और ये कहां उगती है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, कौन सी स्पीशीज है, दैट इज स्वचारुम बारबेरी। वही अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की, ठीक है, अगर मैं वही बात करूं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में एक और दूसरी स्पीशीज उगती है जिसका नाम क्या है, दैट इज स्वचारुम ऑफिसिनेरियम। ठीक है, स्वचारुम ऑफिसिनेरियम थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन क्या करना पड़ेगा बच्चों, याद ही करना पड़ेगा। सो स्वचारुम ऑफिसिनेरियम, ये बहुत ही थिक स्टेम होते हैं इसके। ठीक है, इसके स्टेम बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। साथ ही साथ इसका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, शुगर कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। इतनी बातें क्लियर है। तो साइंटिस्टों ने इस वाले स्पीशीज को नॉर्थ इंडिया में उगाने की कोशिश की। ठीक है, बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, वहां पे उगाने की कोशिश की, लेकिन ये वाले स्पीशीज वहां पे नहीं उगे। क्योंकि देखो क्लाइमेट डिपेंड करता है ना, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है साउथ के साइड में, और नॉर्थ में इतनी ह्यूमिडिटी होती नहीं। तो वहां पे क्या हुआ, अलग अलग स्पीशीज मिलती थी इसीलिए। तो इसकी ये स्पीशीज के अंदर इसका जो स्टेम था वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता था, थिक होता था, इसके वजह से इसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता था। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्थ वाली स्पीशीज की, तो नॉर्थ वाले स्पीशीज में इतना शुगर कंटेंट होता नहीं था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, जनरली इन स्पीशीज को क्रॉस करवा दिया। ठीक है, आओ इन स्पीशीज को क्या कर दो, हम क्रॉस करवा दो। तो इनसे जो स्पीशीज बनी, ठीक है, इनसे जो स्पीशीज बनी उसको हम लोग ने नॉर्थ इंडिया में भी लगा दिया, साउथ इंडिया में भी लगा दिया, अब वो हर जगह लग सकती है। समझ में आ रही बात। और उनका जो शुगर कंटेंट है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। कौन कौन सी स्पीशीज थी, दैट इज सीओ 419, 421 और 453। ठीक है, सीओ 419, 421 और 453 स्पीशीज के नाम है। ठीक है, इट इज अ सुपीरियर क्वालिटी स्पीशीज। ठीक है, इसको जहां पे भी लगा दोगे ये नॉर्थ इंडिया में भी उग जाएगा, और वहां पे भी आपको मोटे मोटे स्टेम वाले, ज्यादा शुगर कंटेंट वाले आपको स्टेम मिल जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, शुगर कैन क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज, अब देखो प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बिकॉज ऑफ डिजीज। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डिजीज भी हो जाती है, बहुत सारे प्लांट्स का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो इस इम्यून सिस्टम वाली चीजों को, अब देखो एक तो बात हो गई प्रोडक्शन की, जो अभी तक हम लोग ने की कि प्रोडक्शन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई भी प्लांट की इम्यूनिटी हम लोग कैसे चेंज करा सकते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यही है कि आपका एक जो प्लांट है जिसके पास बहुत ज्यादा डिजीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिजीज है। मैं हर बार एक ही एग्जांपल देता रहता हूं, आपको भी वही देता था, चलो कोई बात नहीं। एक पेड़ है, दैट इज मैंगो का। ठीक है, ये मैंगो का पेड़ है, समझ लो। ठीक है, इमेजिन कर लो, दैट इज, इट इज अ मैंगो ट्री। ठीक है, वैसे ट्री तो लग नहीं रहा है ये, चलो अब लग रहा है ट्री। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्री जैसा लग रहा है। तो एक ट्री है मैंगो का जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके वजह से इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कोई इसके प्रोडक्शन अच्छा तो होता है, लेकिन कोई इसका प्रोडक्शन जो है, जो मैंगोज है, वो खा नहीं पाता। क्यों नहीं खा पाता, क्योंकि भैया इस पर बहुत जल्दी कीड़े लग जा रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है। वहीं बाजू में एक दूसरा ट्री है जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है। मतलब इसके पास इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनसे फाइट कर लेता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो हम ना ही इसको उगा सकते, ना ही इसको उगा सकते, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन सारे जितने भी मैंगोज है वो सारे कीड़े खा जा रहे, तो हमारा मतलब क्या। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको क्रॉस करवा दिया। ठीक है, साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होने के वजह से यहां से एक दूसरा प्लांट होगा, ठीक है, दूसरा कोई दूसरा मैंगो का प्लांट होगा जिसका प्रोडक्शन भी ज्यादा था और इम्यूनिटी भी अच्छी खासी थी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पॉसिबल हुआ। तो कुछ एग्जांपल दिया, एक छोटा सा चार्ट दिया आपके बुक में हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, कौन कौन सी नए स्पीशीज हम लोग ने बनाए हैं, ठीक है, और उनको कैसे कैसे हम लोग डिजीज, कौन कौन से डिजीज उसको रेजिस्ट कर पाए हैं। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज वीट। ठीक है, अच्छा ब्लैक कलर यूज करते, तो वीट, अगर वीट की बात करूं तो उससे हम लोग ने एक नया स्पीशीज बनाया वीट में, दैट इज हिमगिरी। ठीक है, एक नई स्पीशीज बनाई है, दैट इज हम लोग ने हिमगिरी। किससे किससे, देखो हिल बंट नामक एक डिजीज होती थी इसको, फिर इसका जो लीफ और स्ट्राइप था, ठीक है, वो रस्ट हो जाता था, मतलब टूट जाता था, खराब हो जाता था, ऐसा बोल सकते हम लोग। ठीक है, फिर मैं बात करूं दूसरी स्पीशीज, दैट इज ब्रासिका। ठीक है, ब्रासिका का एक नया वेराइटी बनाया, दैट इज हम लोग ने प्यूसा स्वारियम। ठीक है, स्वर्णम, सॉरी
प्यूसा स्वर्णम, ठीक है, और इस पे क्या होते थे, दैट इज व्हाइट रस्ट, ठीक है, छोटे छोटे रस्ट लग जाते थे जिससे वो क्या हो जाता था, जो लीव से वो क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर की एक नई स्पीशीज बनाई, दैट इज शुभ्रा, और इसके ऊपर क्या होते थे, दैट इज ब्लैक रॉट, ठीक है, ब्लैक रॉट, ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते थे इसके ऊपर, और कर्व लाइट ब्लैक रॉट, ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिजीज के ऊपर आ जाती थी, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, रीड करने वाली चीजें, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है कि ये क्रॉप है कि ये वैरायटी नहीं डेवलप हुई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, सिंपल सा ये आपको छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, इसको लर्न कर लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और दिया हुआ है, दैट इज हाइब्रिड म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशन, देखो म्यूटेशन आप लोग ने जनरली पढ़ा हुआ है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में कोई चेंजेस ला देना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अगर जेनेटिक मेकअप में, जेनेटिक मेकअप में कोई चेंजेस आ गया, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन सडन चेंज होता है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक प्लांट ले लूंगा, एक सेकेंड, सबसे पहले व्हाइट कलर चेंज कर लेते, तो कोई भी एक प्लांट रहेगा, ठीक है, इस प्लांट को मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक यूवी रेज मार देता हूं, ठीक है, यहां पे क्या है, यूवी रेज है, और इस प्लांट के ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मार दिया, तो इसके जो जीन्स है वो क्या हो गया, अब म्यूटेशन हो गया, जिसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई डिजीज वाले जीन्स थे, ठीक है, जो क्या कर सकते थे, इम्यूनिटी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो म्यूटेशन की वजह से, यूवी रेज की वजह से उनके अंदर ऐसा म्यूटेशन आया कि अब वो अच्छे जो प्रोटीन्स है, ठीक है, अच्छे जो प्रोटीन्स है, डिजीज रिलेटेड प्रोटीन्स है, वो क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे। अभी तक हम लोग ने डिजीज म्यूटेशन के बारे में यही पढ़ा था ना कि वो म्यूटेशन करके हमारे बॉडी को खराब कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी वो क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी को, हमारे तो क्या, प्लांट के बॉडी को क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, समझ में आ रही बात। अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे, हम इस यूवी लाइट को पता होगा कि वो जो जीन है, ठीक है, वो डिजीज का ही है और उसको उधर ही मारना है, ठीक है, यूवी रेज वहीं पे कैसे पड़ेगा, तो एक बार में नहीं होता ये, ठीक है, आप लोग कम से कम हजारों बार, ठीक है, हजारों बार, लाखों बार यूवी रेज को मारना पड़ता है प्लांट के ऊपर, तब देखा जाता है कि अच्छा अब ये म्यूटेशन की वजह से अब प्लांट क्या हो गया है, बेटर सर्वाइव कर पा रहा है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है, इतना क्लियर है, तो ये जनरल सा ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पेस्टिसाइड्स प्लांट की बात करते हैं हम लोग, जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ये चीजें हैं जिसको हम लोग जो क्या कर दे, प्लांट के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है, और वो क्या कर देते हैं, उसके ऊपर डिजीज कॉज कर देते हैं, तो कुछ ऐसे हम लोग ने वेराइटीज भी बनाई है जो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है, ठीक है, मतलब वो इंसेक्टिसाइड के आने से, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के इन्फेक्शन होने से भी उनसे बचा जा सकता है, तो नई नई वेराइटी हम लोग ने बनाई है, जैसे ब्रासिका, अभी हम लोग देखा था ना ब्रासिका की, ठीक है, दैट इज प्यूसा गौरव, ठीक है, गौरव किसी लड़के का नाम होगा ना, ठीक है, तो ब्रासिका की एक क्या है, ब्रासिका का एक नया वैरायटी बनाया, दैट इज प्यूसा गौरव, और इस कौन से इंसेक्टिसाइड्स इसको बचाया जाता है, दैट इज एफसिड, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। वैसे ही नीचे यहाँ पे एक और है, दैट इज फ्लैट बीन्स, फ्लैट बीन्स देखा होगा ना आप लोग ने, ऐसे पतले से होते, ठीक है, जैसे आप लोग ने बीज देखा होगा, मटर देखे होंगे, मटर तो मटर के जैसा ही होता है, बट वो एकदम पतला सा होता है, ठीक है, तो वैसा ही कुछ प्लांट्स होता है, तो इसके दो नए बनाए, दैट इज प्यूसा सेम टू और प्यूसा सेम थ्री, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। उसको हिंदी में सेम भी बोलते हैं शायद, सेम की सब्जी बनती है हमारे घर पे, ठीक है, तो उनको फ्लैट बीन्स बोला जाता है, तो प्यूसा सेम टू सेम थ्री याद हो जाएगा, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको सेम बोलते हैं, तो सेम टू और सेम थ्री नए उसकी वैरायटीज बनाए गए। कौन कौन थे, उसके सब अटैक करते थे, इस पे जैसल्स भी अटैक करते थे, एस्फिड्स भी अटैक करते थे, और फ्रूट बोरर भी अटैक करते थे, ये सारे बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारे क्या है, इंसेक्ट है। नाउ उसके बाद है ओकरा, ओकरा का हम लोग ने नया बनाया, दैट इज सवारनी एंड प्यूसा ए फोर, ये दो हम लोग ने नई स्पीशीज बनाई, और हम लोग बात करें तो उसके ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड, मतलब कौन सा इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक करता था, दैट इज शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, शूट एंड फ्रूट बोरर, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है, सिंपल है, याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ हमारे टॉपिक पे, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर हम लोग, मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है टिश्यू कल्चर क्या होता है, शायद सिक्स या सेवन लेसन मैंने आपको पढ़ाया था कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को वहां पे बताई हुई है, वापस देख लेते, थोड़ा अच्छे से देख लेते क्या होता है टिश्यू कल्चर। देखो फॉर एन एग्जाम्पल टिश्यू, अच्छा सबसे पहली बात कि टिश्यू कल्चर हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है टिश्यू कल्चर की। देखो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक मेरा मस्त सा प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक मेरा मस्त सा क्या है, प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये बहुत ही सही प्लांट है, मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर कोई ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है, मतलब कोई बीमारी भी नहीं होती, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही सेम प्लांट मैं वापस बना दूं, ठीक है, ऐसा ही सेम प्लांट मैं क्या करूं, वापस बना दूं। लेकिन
अब मुझे प्लांट को ये क्या क्या करने पड़े, इनका रिप्रोडक्शन करवाने के लिए मुझे इस प्लांट को किसी दूसरे प्लांट से क्या करना पड़ेगा, मतलब ये क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी, या तो सेल्फ करवा लू या तो क्रॉस करवा लू, इतनी बातें क्लियर है ठीक है। या इसके मुझे क्या करनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, तो मैं सेल्फ करवा के सेम इसके जैसा प्लांट बना सकता हूं। लेकिन क्या पता अगर ये जो प्लांट है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही ना कर पाए। मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, मतलब जिनके पास जिनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं होते, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। तब क्या करूंगा, मतलब अगर इसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब इसको किसी दूसरे प्लांट से ही क्या करना पड़ेगा, मेटिंग करना पड़ेगा। तो अगर ये दूसरे प्लांट से मेटिंग करेगा तो इसकी जो पावर है मतलब अच्छा प्रोडक्शन की अच्छे इसकी वो पावर भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो उस प्रोसेस में उस टाइम पे मैं क्या यूज करूंगा, टिश्यू कल्चर ठीक है। उस प्रोसेस में क्या यूज करूंगा, टिश्यू कल्चर। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या करूंगा इस प्लांट का ठीक है, इस प्लांट का एक पार्ट काटूंगा ठीक है, एक पार्ट काटूंगा और इसको यहां पे एक न्यूट्रिटिव मीडियम में रख दूंगा ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरी प्लेट है ठीक है, एक प्लेट है, इसके अंदर मैंने क्या भरा है, न्यूट्रिटिव मीडियम, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दैट इज न्यूट्रिटिव मीडियम, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है, सल्फर है, जितनी भी चीजें प्लांट को जरूरत होती है, कैल्शियम पोटेशियम सल्फर जितनी भी चीजें जरूरत होती है वो सारी की सारी इसके अंदर प्रेजेंट है ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स भी प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सिन्स हो गया, गिबरलिंस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस प्लांट का जो मेरा अच्छा सा प्लांट है जो मुझे चाहिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको काट के किस में डाल दिया, इस टिश्यू का इस पॉट में डाल दिया जिसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर एक फिनोमिना होगी जिसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मीन बाय डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंट सीएशन ठीक है। याद करो मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरी सेवंथ लेसन देखा होगा, मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया कि डी डिफरेंशिएशन क्या होती है। देखो डी डिफरेंशिएशन नॉर्मल सा मैं तुम लोग एक्सप्लेन कर देता हूं कि जनरली जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू मतलब क्या होते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं ठीक है, तो हमेशा क्या हो रहे हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं। और परमानेंट टिश्यू मतलब क्या, जो डिवाइड नहीं हो रहे। फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा एक कोई प्लांट है ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से डिवाइड होते जा रहे, इसकी जो साइज है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बीच के जो टिश्यूज है, यहाँ के टिश्यूज है, वो टिश्यूज तो नहीं बढ़ रहे ठीक है। वो टिश्यूज क्या हो गए, उनका एक स्पेसिफिक शेप हो गया, उनका एक स्पेसिफिक साइज हो गया और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो चुका है। अब वो फंक्शन को ही जिंदगी भर वो क्या करेंगे, करते रहेंगे, उनको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। जो हमेशा बढ़ते रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो बढ़ते नहीं है, जिनका बढ़ना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज परमानेंट टिश्यू। इतनी बातें क्लियर है। तो अब देखो यहां पे मैंने जो पार्ट काटा ठीक है, यहां पे जो मैंने इस प्लांट का ये वाला जो पार्ट काटा, ये तो परमानेंट टिश्यू का पार्ट था ना, मतलब अब ये बढ़ नहीं रहा था, लेकिन मैंने जैसे इसका काटा और इसका प्लांट इसका पार्ट काटा ठीक है, और इसको कहां डाला, इस न्यूट्रिशन मीडियम में डाला, अब ये प्लांट वापस क्या होने लगा, ग्रो होने लगा, मतलब ये परमानेंट टिश्यू था ठीक है। अब ये वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। इस चीज को ठीक है, मतलब एक परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाए, वापस मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, मेरिस्टमैटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। समझा यहां पे ठीक है। तो यहां पे हम लोग को डी डिफरेंशिएशन देखने मिलेगी, जिसकी वजह से ये वापस क्या होने लगेगा, ये होने लगेगा, वापस सेल डिवीजन चालू हो जाएगी। तो यहां पे बहुत सारे सेल्स डिवाइड होंगे ठीक है, यहां पे सेल डिवाइड होंगे, यहां पे सेल डिवाइड होंगे, तो ऐसे सेल्स क्या होने लगेंगे, डिवाइड होने लगेंगे। अब देखो ठीक है, जो मैंने इस पार्ट को काटा था, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कुछ नाम पता होने चाहिए ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने काटा था यहाँ पे, ये वाला पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्स प्लांट ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लांट, क्योंकि ये प्लांट से ही कटा हुआ पार्ट है ठीक है। तो प्लांट का क्या है, ये एक्स है ठीक है, ऐसा याद रख लो। तो क्या है, ये एक्स प्लांट है। फिर इसको मैंने किस में डाला, इस पॉट में डाला, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिशन मीडियम है, बहुत सारे हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स है, गिबरलिंस है, सारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है, जिसके वजह से इसकी क्या होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे जो सेल्स है उनका क्या बन जाएगा, एक क्लस्टर, सॉरी क्लस्टर बन जाएगा, सही है, बहुत सारे यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे, यहाँ बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। इस क्लस्टर को हम लोग कहते हैं कैलस, व्हाट वी कॉल दिस क्लस्टर एज अ कैलस। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस, समझा। और इसी कैलस से आगे चल के एक नया प्लांट बन जाएगा ठीक है। इस पावर को क्या कहते हैं, एक सेल से, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ बहुत सारे टाइम कि एक सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर को क्या कहते हैं। अगर किसी सेल्स के पास ऐसी पावर है कि वो ऐसे कोई एक सेल ठीक है, जिसके पास एक पावर है कि वो क्या कर सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, इस पावर को हम लोग कहते हैं, दैट इज
टोटी पोटेंसी, नहीं पता था तो जान लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टोटी पोटेंसी मतलब क्या कि आपका एक सेल आगे चल के बहुत सारे टाइप में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतना समझा। अब एक और वर्ड है आपके बुक में दिया हुआ, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब है कि इस टेक्निक का यूज करके, मतलब टिश्यू कल्चर वाली टेक्निक का यूज करके बहुत सारे प्लांट्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। समझा माइक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या, देखो टेक्निक ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, कहां गया, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर का यूज करके, इस टिश्यू कल्चर का यूज करके आप बहुत सारे टाइप्स के क्या बना दो, प्लांट्स बना दो, इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। समझा इतना, ठीक है, क्लियर है। तो हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सिंगल प्रोटीन सेल। सिंगल प्रोटीन सेल मतलब क्या होता है, देखो सिंगल प्रोटीन सेल मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा सिंगल प्रोटीन सेल मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, आप देखो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे बोल सकते हैं, हम लोग मीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मीट कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे एग लोग कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सेल्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल्स भी है हमारे पास, मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसको हम लोग अगर कंज्यूम करें तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल है, दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला को हम लोग स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस एल्गी, स्पेस एल्गी भी कहा जाता है क्लोरेला को। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतना समझा, क्लियर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, तो उसको जरा सा रीड कर लेना। सिंपल समझा, सिंगल प्रोटीन सेल मतलब क्या होता है, सिंगल प्रोटीन सेल मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच है, मतलब उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। इसको स्पेस एल्गी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में ना, जनरली वो क्लोरेला को लेकर जाते हैं, ठीक है, क्लोरेला लेकर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, समझे मेरी बात। तो वहां पे भी इसको खाते हैं वहां पे, जिसके वजह से उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। समझा इतना, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो आप लोग को पता है कि हम लोग को अगर न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तो हर ऑर्गेनिज्म को कुछ क्वांटिटी ऑफ खाना खाना पड़ेगा। जैसे अगर एक लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए मेरे बॉडी में, तो मुझे दो रोटी या चार रोटी खानी पड़ेगी। लेकिन हर इंसान को चार रोटी नहीं नसीब होती ना, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही लोअर बोलते क्लास के होते हैं, ठीक है, उनको जनरली इतना खाना नसीब नहीं होता है। तो एज अ साइंस, ठीक है, एज अ साइंस साइंटिस्ट या फिर एज अ साइंस स्टूडेंट, हम लोग को क्या करना है, हमारा क्या फर्ज बनता है, हम लोग को ये करना है कि कम से कम क्वांटिटी में, ठीक है, कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए हम लोग, ठीक है, कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना भी खाते हैं, लेकिन उनके बॉडी में न्यूट्रिशन कमी हो जाती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो गई, बी की कमी हो गई, बहुत सारे न्यूट्रिशन अलग अलग चीजों की कमी हो गई। ऐसा क्यों, क्योंकि वो खाना तो खा रहे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन रिच खाना नहीं खा रहे, मतलब उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन रिच नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको हिडन हंगर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हिडन हंगर भी बोलते हैं। हंगर मतलब क्या, भूख, ठीक है, लेकिन ये हिडन है, क्योंकि आप नॉर्मली खाना तो खा रहे हो, लेकिन आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, तो आपकी बॉडी के लिए तो क्या है, ये भूखी है ना, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, चिल्ला के बोल रही है क्या कि यार मुझे विटामिन ए दे, मुझे विटामिन बी दे, नहीं ना। सो इट इज अ हिडन हंगर फॉर योर बॉडी, समझ मेरी बात। तो हम लोग क्या करना है कि कुछ एक नॉर्मल से अमाउंट में, ठीक है, नॉर्मल से अमाउंट में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करना है, ठीक है, छोटे से अमाउंट में क्या करना है, हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। तो कौन कौन सी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं प्रोटीन की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर ऑयल कंटेंट बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर हम लोग विटामिन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन का कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, जितने भी विटामिन है, जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं विद द लिमिटेड क्वांटिटी। इतना समझा, ठीक है, समझा, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट खत्म हो गया, ठीक है, चलो। तो हमारा जो प्लांट वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जो प्लांट वाला टॉपिक है वो क्या हो गया, खत्म हो गया इस लेसन में, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है, दैट इज एनिमल वाला टॉपिक चलेगा हमारा। क्या मैंने बताया था आप लोग को, यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग की थी हम लोग ने लेसन में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दो फूड प्रोडक्शन है, तो एक जो हमारा प्लांट वाला टॉपिक था वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल वाला टॉपिक, क्योंकि हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है। ओके, सो
आई होप आपको लेक्चर मजा आया होगा, ठीक है। आप लोगों ने नई चीजें पढ़ी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल वाली चीजें भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। वो आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आपको सच में पसंद आया वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आके मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हो, बता देना सर अच्छा लगा लेक्चर, ठीक है, एक मैसेज कर देना, अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।